सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम हैं अगेन बीर बिलिंग में और आज आ रहे हैं हम लोग पराशर लेक। अभी हम लोग हैं सूर्य क्लासिक होटल जो कि एकदम बीर के सेंटर में है और सुबह का टाइम हुआ तकरीबन 7:30। मोनू भाई आने को है और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट का। तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं पराशर लेक। मोनू भाई आ चुके हैं और उनकी गाड़ी में हम लोग निकल चुके हैं पराशर लेक के लिए। देखिए यार, क्या गुनगुनाती धूप, मस्त सा मौसम हो रखा है, लेकिन ठंड बहुत मस्त थी, कोहरा भी शानदार। तकरीबन यहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता है पराशर लेक का बीर बिलिंग से। तो बस आप देखो नज़ारे थोड़े से। ये पहुँचे हैं हम जोगिंदर नगर। यहाँ से मुन्नू भाई अपना गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं। देखो सुबह सुबह का टाइम और स्कूलें खुली हैं, बच्चे स्कूलों की साइड में जा रहे हैं। बाकी यार मौसम बहुत शानदार था। ये पहुँचे हम फौजी ढाबा जहाँ पे हमने टिकाए आलू के परांठे, चाय और मैगी। यहाँ रास्ते में खाने की प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको बहुत सारे ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मैगी खा लीजिएगा। वापस देखिए, ये हम लोग शुरू, बस तकरीबन हम लोग पहुँच चुके हैं पराशर लेक के साइड। और इधर आते ही देखिए आपको बर्फ़ नज़र आने लग गई। रास्ते में और तो हमें कहीं बर्फ़ नहीं मिली, लेकिन पराशर लेक देखिए यहाँ से, ये पराशर लेक पास में ही है तो ये बर्फ़ शुरू हो गई है और ये फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, उसकी ही बर्फ़ है। तक हम लोग पहुँचते हैं ना पराशर लेक, तो मैं आपको थोड़ा सा पराशर के बारे में बता देता हूँ। जैसा को पता है कि पराशर हिमाचल में मंडी के अंदर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई झील है और कहा जाता है कि ऋषि पराशर ने यहाँ तपस्या की थी। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा बाणसेन ने बनवाया था और इस झील के अंदर एक तैरता हुआ टापू है जिसे लोकल लैंग्वेज में टहला कहते हैं। और वो कहते भी है कि इस झील की आज तक कोई गहराई नाप नहीं पाया है। और यहाँ पे ये भी बात फेमस है कि जब तूफान या कुछ ऐसे आंधी वगैरह आती है ना, तो बड़े बड़े पेड़ गिरकर इस नदी में या झील में गिर जाते हैं और कोई बिना निशान छोड़े वो झील से गायब ही हो जाते हैं। यहाँ पहुँचे कैसे, तो भाई इसके लिए लोकल बसेज भी हैं जो आपको मंडी से 35 किलोमीटर दूर बग्गी तक पहुँचा देंगी। वहाँ से फिर आपको या तो 8-9 किलोमीटर का ट्रैक करके आना पड़ेगा या कोई भी आपको प्राइवेट व्हीकल लेके यहाँ आना पड़ेगा। लगभग यहाँ दिसंबर से मार्च तक पूरी बर्फ़ रहती है। मस्त मंदिर, एकदम फेरी टेल्स की तरह लगता है देखने में। हालांकि कहने का तो कई ट्रैकिंग कंपनियाँ 3 दिन का ये ट्रैक करवाती हैं, लेकिन पर्सनली मेरी मानो ना तो भाई यहाँ 3 दिन आके ठहरने का कोई मतलब नहीं है। आप हिमाचल में जहाँ भी ठहरे हुए हो, मनाली, शिमला, बीर या आजू बाजू में, वहाँ से मस्त गाड़ी वाड़ी पकड़ के अपना बग्घी आओ। बग्घी से आप ट्रैक कर सकते हो या इवन यहाँ झील तक आपकी गाड़ी आती है। तो भैया मस्त गाड़ी से आओ, नज़ारे देखो, 3-4 घंटे स्पेंड करो और भैया वापस हो लो। 3 दिन ठहरने का यहाँ कुछ मतलब है नहीं। अभी एकदम फ्रेश स्नो है और अभी यहाँ लोग, टूरिस्ट भी बहुत कम थे। देखो यहाँ कोई भीड़ भड़क का नहीं, आराम से हम जाए जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ बहुत क्राउड होता है। देखिए फ्रेश स्नो, मज़ेदार। कोई एकाध गाड़ी हमें पूरे रास्ते में दिखाई दी, बाकी कोई कैंप साइड वगैरह यहाँ नहीं नज़र आई हमें अभी तक। बस पहुँचने वाले हैं तो बस हम लोग यहाँ गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और ये है रास्ता पराशर लेक जाने के लिए। इसको क्रॉस करके उस साइड में पराशर लेक हमें नज़र आएगी। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, स्नो वगैरह मेल्ट होकर कीचड़ सा बन गया। तो ये देखिए मोनू भाई गाड़ी लगा के आ रहे हैं और मैं आ चुका हूँ टीले के ऊपर। बस ये टीला पार करने के बाद में सीधी पराशर लेक हमें नज़र आएगी। कुछ कुछ टूरिस्ट हैं यहाँ पे। ये मोनू भाई यहाँ गाड़ी लगा दी, मोनू के भाई के साथ उनका भांजा भी आज बार साथ में है। तो बस अब तीनों हम लोग
चढ़ेंगे ऊपर। ये रास्ता है, ऐसे ऐसे चढ़ के आना है पूरा। देखिए अभी स्लो गिरा है कुछ दिन पहले ही, और इस टूर पार करके उस साइड में पराशर लिखा है। बस ये पार करके मैं पहुंच चुका हूं। ये देखिए है ना, शानदार नज़ारा यार, पराशर लेक का और पराशर मंदिर, और ये बीच में टहला टहलता हुआ था जिसको कहते हैं। ये पूरी नदी में जो तो घूमता रहता है, और कैसे घूमता है ना कोई पता नहीं है इसका। देखिए टूरिस्ट नाव मात्र के हैं, मस्त यार, जन्नत सा फील आ रहा है तुम। ये है ऋषि पराशर का मंदिर, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। देखिए काफ़ी साफ सुंदर सुंदर और शांत है। ये देखिए पूरा लकड़ी का, वो लकड़ी पे कार्विंग भी बहुत शानदार हो रखी है। उस जमाने में ना लोग मतलब बिना औजारों के या लिमिटेड औजारों के कितना अच्छा काम कर लेते थे ना। देखिए आज भी ये काम वैसा का वैसा ही है। तो हो गया सफ़र हमारा ख़त्म। पराशर लेक का, पराशर लेक देख ली, ऋषि पराशर का मंदिर देख लिया, ट्रैकिंग भी कर ली। तो दोस्तों ये था एक दिन का एकदम इजी ट्रैक पराशर लेक। बहुत शांत साफ सुथरा था, कोई भी क्राउड हमें नहीं मिला, सब जगह हमें मस्ती से एंट्री मिली। मंदिर के अंदर भी पुजारी थे, इसके अलावा कोई भी श्रद्धालु एक दो के अलावा नहीं मिला रास्ते में। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं गिर। कल सुबह गिर से हमारी फ्लाइट है, ये हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला, और बस अब रवानगी अपने दिल्ली के लिए। चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए वीडियो मेरे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।